तुम यहाँ क्या कर रही हो? सली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस दोस्तों से मिलने आया था। तुम तो आज वीनस के पार्टी में जाने वाले थे ना? मुझे लगा वहाँ बहुत भीड़ होगी, इसीलिए मेरा मन नहीं किया। और तुम? मैं क्या? ओ, मैं तो नहीं गई, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए था। क्या पी रही हो? कैरमल लाते। मेरे लिए भी एक ऑर्डर कर दो ना। मैंने क्या सोचा था? कैरम, देखो इसमें कुछ गलत नहीं है। उनकी बेटी है, तुमने देखा नहीं? तो क्या हुआ कैरम? बहुत से लोगों के भाई बहन होते हैं, और देखो उन्होंने तुम्हें बहुत ढूंढा, और सिर्फ तुम्हें देखने के लिए उन्होंने स्कूल में जॉब की। इसका तुम्हारी नजर में कोई मतलब नहीं? कितना बेवकूफ हूँ मैं, अब ये सब कैसे हो सकता है? देखो, हम उस बारे में सोच रहे हैं जो हमने दूर से देखा है। झूठ बोलना बंद करो प्लीज। मैं सिचुएशन जानता हूँ, और तुम इस सिचुएशन को मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मेरा वो मतलब नहीं अगर था। हो सके तो मैं जैसा हूँ मुझे एक्सेप्ट करो। मैं एक अनवांटेड चाइल्ड हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं है। अब इसे बदला नहीं जा सकता, तुम भी इसकी कोशिश मत करो। कैरम सुनो तो। तुम्हें लगता है हम रात को यहाँ सो पाएंगे? हम अभी अभी यहाँ आए हैं, ना तुम्हारे पास ज्यादा सामान है और ना मेरे पास। एक और सवाल पूछना है, तुम्हें क्या लगा हम पाइड और लमाकुन के अलावा कुछ और खाएंगे क्या? मुझे कुक करना आता है, चिंता मत करो। मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में कुछ भी बोल देता हूं। मुझे तुमसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर देना फातिमा नूर। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर तुम अचानक आ गए और मैं डर गई। कादिर, मुझे लगता है हमें बसरी को भी बुलाना चाहिए। मैंने बुला लिया, उनके बिना ये सब अधूरा है। चलो 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 मेरी प्यारी बच्ची, चलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेलकम। थैंक यू। ये सब क्या है? हम कल की पार्टी के इनविटेशंस इसमें लिखने वाले हैं। आप इतनी परेशानी क्यों उठा रही हैं? अब इसमें परेशानी की क्या बात है? शुक्रान अपने दोस्तों को कैसे बताएगी कि कल वो पार्टी दे रही है? हमें उसके फ्रेंड्स को इनविटेशन तो देना पड़ेगा ना? आप बहुत समझदार हैं, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। एक बात कहनी थी आपसे, प्लीज मुझे छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू बोलना बंद कीजिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप थैंक यू कहते हैं। माफ करना अगर आपको बुरा लगा हो तो। ठीक है, अब से नहीं बोलूंगा। अब याद रखिएगा, ये लीजिए। ओह, वेलकम तुर्कान, वेलकम। थैंक यू सो मच। शुक्रान, आ जाओ मेरे पास, आओ यहाँ, आ जाओ मेरी बच्ची। ओह, तो बताओ कैसा चल रहा है सब? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, मैंने तुम्हें कितना मिस किया पता है? तुमने मुझे मिस किया? अच्छा। सब लोग बर्फ की तरह व्हाइट हो गए थे, उसने सब जगह वो स्प्रे कर दिया था, जैसे किसी कॉमेडी फिल्म की तरह। जमीन पर, दीवारों पर, सब तरफ पूरी जगह व्हाइट हो गई थी बर्फ की तरह। हाँ,
तो बस यही एक कहानी थी स्टेट हाई स्कूल की। बड़ी मजेदार कहानी थी। फिर क्या हुआ, तुम्हें वहाँ से निकाल दिया? मतलब नहीं, वो एक कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम ये जानबूझकर करते हो। क्या करता हूँ? अपने बारे में थोड़ा सा बताकर मिस्ट्री गाय बन जाते हो तुम। ये कोई टेक्निक है क्या? दरअसल मैं ही तो पिछले एक घंटे से बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गई। तुम बोलते ज्यादा हो लेकिन अपने बारे में बातें कम करते हो। अच्छा है, मैं इसकी प्रैक्टिस करके देखूंगा कुछ दिन। प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। वो आया ही नहीं, उसका फोन भी बंद है। तुम कहाँ हो यार, मेरा तो मूड ऑफ हो गया है। मैं तो सबसे जल्दी लिख रही हूं। काफी देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। आप काफी थक गई होंगी। हाँ थोड़ा, लेकिन मजा आया। जब मैं छोटी थी तब अपनी मॉम के साथ ऐसे ही इनविटेशन लेटर्स लिखा करती थी, मतलब उनके बीमार होने से पहले। और मेरे पास आपके जैसे अच्छे पापा भी नहीं थे। शुक्रान सच में बहुत लकी है कि आपके जैसे पापा उसके पास है। लकी तो मैं हूं, मेरे पास शुक्रान जैसी बेटी है।
ऐसे दीदी, ऐसे दीदी, ऐसे दीदी, ऐसे दीदी, रूम में जाकर सो जाइए। पागल हो क्या? मैं नहीं सो रही थी, बस आंखों को थोड़ा आराम दे रही थी। मैं और भी अच्छा आइडिया सोच रही थी लिखने के लिए। कैसे सोऊंगी? ओ अच्छा। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सलीम ने बताया तुम लोग साथ में थे कल रात को। हाँ, हमारी थोड़ी देर तक बात हुई। मैं तो तुम्हें अपनी पार्टी में बुला ही रही थी, पर क्या बात है, तुम तो अपनी अलग ही पार्टी कर रही थी। सुलह, मुझसे एक गलती हो गई है सर। क्या हुआ, क्या किया तुमने? करम स्कूल छोड़ रहा है। क्यों? जब तक वो लेडी, मेरा मतलब है उसकी मॉम यहाँ है, वो स्कूल नहीं आएगा। वो मिस्टर सादेद्दीन से बात करने गया है, आप कुछ कीजिए ना। सादेद्दीन से बात करने गया है? पागल है वो भी। इस वक्त कहाँ है वो? मिस्टर सादेद्दीन के रूम में है। ओह करम, देखो मेरी बात सुनो, हम सब तुम्हें पसंद करते हैं, तुम मेहनती बच्चे हो, हमें तुम पर गर्व है, लेकिन तुम यहाँ स्कॉलरशिप पे पढ़ते हो और तुम उन्हें निकालने की बात कर रहे हो। तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं। वो औरत नहीं गई तो मैं चला जाऊंगा। कौन सी औरत बेटा, एक काम करने वाली से तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। सर मुझे उनसे नहीं मिलना है, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। नीचे बैठो। हाँ, अब टीचर ही तुम्हें समझा पाएंगे। टीचर, क्या आप जानते हैं ये क्या कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आकर यहाँ स्टाफ को निकालने की बात कर रहा है। सर मुझे पता है, क्या मैं इस बारे में किरम से बात करूं? बिल्कुल कीजिए, लेकिन सर ये तुम्हारे टीचर है, इनसे बात करो। जाओ किरम, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ किरम। बहुत ही अजीब स्कूल है ये। क्या बात है किरम? नहीं कुछ नहीं। तो तुम मिस्टर सादेद्दीन के रूम में क्या कर रहे थे? मैं बस जवाब ढूंढ रहा था। किसके बारे में? उस औरत की फैमिली के बारे में, आप जानते हो? हाँ, उन्होंने बताया था मुझे। उनकी एक बेटी और एक पति है। उन्हें 2 साल पहले ही पता चला कि तुम जिंदा हो। उन्हें क्या करना चाहिए था, क्या करती वो? मुझे फर्क नहीं पड़ता टीचर, एक बात तो तय है, या तो वो औरत यहां से जाएगी या मैं, समझे आप? या वो या मैं। ठीक है किरण, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मिस्टर खान से बात करके उस औरत को निकलवा दूंगा। ठीक है? ठीक है। अब तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। ओके? क्या उन्हें तुरंत निकाल सकते हैं? ऐसा हो सकता है? हाँ निकाल सकते हैं, आसान है। वो ट्रायल पीरियड पर हैं, उन्हें पे भी नहीं करना पड़ेगा, स्कूल के लिए अच्छा ही है। अब तुम क्लास में जाओ। जाओ। रुक जाओ धोखेबाज लड़की, कहाँ जा रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद वहाँ आया था। और तुमने उसे भेजा भी नहीं, तुम वहाँ उसके साथ बैठ गई। मैंने कुछ भी नहीं किया है वीनस। मैंने तुम्हें कल रात को मैसेज भी किया था सुलह। मेरा फोन पर्स में था, मैंने देखा नहीं होगा। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम दोनों ने सारी रात क्या किया? कुछ नहीं, हम बस बातें कर रहे थे। देखो सुलह, तुम चाहो तो मैं उसे जाने दूंगी, अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम मुझे पहले ही बता दो, ये सब मत करो। मैंने तुमसे कहा ना ऐसा कुछ नहीं है वीनस। अच्छा, बस मैं तुम्हें एक और आखिरी मौका दे रही हूँ सुलह।
कैरम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर कादिर उन्हें यहाँ से निकलवा देंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है अब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। हाँ लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम उन्हें कभी नहीं देख पाओगे। हाँ तो जैसा तुम चाहते थे वैसा हो गया। कम ऑन, चलो क्लास में चलते हैं। कहीं बाहर घूमने चले कैरम? तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मैं कुछ सोच रहा था कैरम। अरे मैं तो बारे में क्या स्कूल के बाद सीधे घूमने चलते हैं, अच्छा तो मुझे ही लगता है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। ओके हाँ कैरम, काम हो गया, वो उन्हें निकाल देंगे। हमने उन्हें बता दिया कि तुम चाहते हो वो यहाँ से चली जाए, ठीक है? क्या उन्हें अभी इसी वक्त निकाल दिया जाएगा? हाँ हाँ, मेरी सिक्योरिटी से बात हो गई है। ज्यादा परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। मत कीजिए, कोई मुझे कुछ तो बताओ, मैंने किया क्या है? मेरी कोई गलती नहीं, ये मेरी रोजी। जाओ यहाँ से जल्दी। छोड़ दीजिए, निकलो। ऐसा मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। टीचर वो उन्हें धक्का दे रहे हैं। धक्का किसको? क्या? अरे लेकिन क्या हुआ है? तुम्हें उससे क्या लेना देना? छोड़ दीजिए मुझे। वो मान नहीं रही है, तुम बैठ जाओ। हाँ बच्चों, मैंने सबके पेपर्स पढ़े हैं। उन्हें दर्द हो रहा है टीचर। किरण चुपचाप बैठ जाओ, चलो। छोड़िए मुझे, मैं हाथ जोड़ती हूँ। क्या हुआ? ये क्यों कहा गया? ये कहा गया? मिले हैं, तुम बीच में मत आओ। मुझसे दूर रहो। तुम हो कौन और ये तुम्हारी कौन है? कुछ मत बोलो। ये मेरी माँ है। मेरा बेटा। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। ये मेरी माँ है, सुना तुमने? ये मेरी माँ है, मेरी माँ है ये, और मैं इनका बेटा हूँ। ये मेरी माँ है, मेरी माँ है ये। यहाँ क्लास चल रही है, चुप हो जाओ।
क्या तमाशा है ये? आप लोग यहाँ हैं? हेलो एवरीवन। मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। मैं अक्सर आता रहता हूँ पास में। अच्छी बात है, तो फिर हम रोज मिलते रहेंगे। बिल्कुल, अब तो हम फैमिली हैं। मेरी मॉम मिली थी उस दिन आपकी मॉम से। हाँ पता चला मुझे। भाई निहात, मेरी मॉम थोड़ी परेशान है। क्यों, क्या परेशानी है? दरअसल वो मेरी वजह से परेशान हुई है। मैं बहुत बोलता हूँ ना, चुप नहीं रह सकता। क्या तुम्हें याद है वो उस दिन आदमी आया था यहाँ पर? कौन सा आदमी? वही आदमी जो उस दिन ऑफिस में आकर चिल्ला रहा था, लंबा मूंछ वाला आदमी, बेवजह शोर कर रहा था यहाँ पर। मुझे याद नहीं है। ठीक है, जब मैंने मॉम को बताया कि आदमी आया था और चिल्ला रहा था, तो ये सुनकर वो थोड़ा परेशान हो गई। वो क्यों परेशान हो गई? मुझे लगा कि वो आदमी फातिमा नूर के बारे में कुछ बोल रहा था। मुझे लगता है आपने कुछ गलत सुना है। फातिमा नूर का हमारे ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है। सही बात है, तो मैं मॉम को बता दूंगा कि चिंता की कोई बात नहीं है। जाओ बता दो। कैसे हो अहमद? ठीक हो। मैं जा ही रहा था, आपने मुझे बुलाया। मैं तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को कल की पार्टी के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। पार्टी? हम नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं दुकान, अभी तो हम वहाँ जाएंगे, फिर देखते हैं आगे का। हम वीकेंड में वहाँ शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, तुम्हें आना पड़ेगा। ये पार्टी सुबह है, तुम कुछ घंटे रुक कर फिर निकल सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं फातिमा नूर से पूछ लूँ? उससे पूछना मत अहमद, उसे कन्विंस करना। तुमने सालों से स्कूल में भी कोई सोशल एक्टिविटी अटेंड नहीं की है। मैंने तुमसे कहा नहीं, लेकिन तुम इस बार नहीं आए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मुझे पार्टी के लिए गेस्ट चाहिए, नहीं तो तुम्हें इतना फोर्स कभी नहीं करती। ठीक है, कब और कहाँ आना है? कब कहाँ और क्या? कल की पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। ओह सच में, तुम भी आ रहे हो क्या? मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। चिंता मत करना, मैं आ जाऊंगा। कब और कहाँ आना है? 11 बजे, मैं लोकेशन भेज दूंगी। ठीक है, सी यू। सी यू। दुर्कान, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? एक सरप्राइज पार्टी। तुम्हें पता है मिस्टर कादर को कितना स्ट्रेस होगा? माय डियर, मैं यहाँ रुककर तुम्हारी बात सुनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जाना है नई ड्रेस खरीदने। मैटिन, यहाँ आओ, मेरा बच्चा आया है। स्वागत है बेटा। आपका शुक्रिया। नाजली,
नाज़ली यहाँ आओ, देखो तुम्हारा भाई है ये। भैया आ गए। मैंने आपका कितना वेट किया, मॉम तो हमेशा रोती रहती थी। असली असली यहाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इधर आओ डियर, आ जाओ आ जाओ। वेलकम बच्ची, चलो अंदर चलते, आओ आओ, हमें बहुत सारी बातें करनी है, आ जाओ चल। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो ना, चलो हाई फाइव दो, हाई फाइव। मॉम डैड आ गए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेलकम डियर। वेलकम बैक। हेलो। हम कॉफी पी रहे, पियोगे तुम? हाँ बिल्कुल पीऊंगा। ठीक है आओ, पापा के लिए कॉफी बनाते हैं। चलो जाओ फिर। मेरी हेल्प कौन करेगा? मैं। चलो चलो चलो। गुड बॉय। चलो जाओ। पापा कल आपको ऑफिस आना पड़ेगा, सीमेंट कंपनी मुझे बहुत परेशान कर रही है। ठीक है ये सब कल देखेंगे। मैं नहीं चाहता नूरा, ये चाहता है। और आज फिर से आरिफ ऑफिस आया था? निहात, इससे पहले वो अपनी मॉम के साथ आया था, लेकिन ये सब हमें बस परेशान करने का बहाना है। ऐसा ही उसने आज मेरे साथ भी किया, वो पूरे टाइम बोलता ही रहा और बिल्कुल चुप नहीं हुआ। वो अहमद का भाई है, पहले हमें अहमद से बात करनी होगी। नूरान तुम फातिमा नूर से बात करोगी? वो अब यहाँ नहीं आएंगे हायरी, वो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। कॉफी अभी तक क्यों नहीं आई? हाँ बस अभी लाई। तुमने उन्हें बताया नहीं हम घर शिफ्ट कर रहे हैं? मैंने कहा था लेकिन उन्होंने सुना नहीं। अब हम ये सब बॉक्सेस कैसे खोलेंगे? हम ये सब धीरे धीरे कर लेंगे। वैसे पार्टी कितने बजे है? 11 बजे, लेकिन हम वहां पर इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। मैं अभी आता हूं। क्या हुआ भाई? मैंने सुना है तुम यहाँ शिफ्ट हो रहे हो, क्या ये सच है? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं तुम्हारे घर चला गया था और वो पूरा खाली पड़ा हुआ था, इसीलिए। क्या चाहते हो तुम? जब तुम ऐसे बात करते हो ना मुझे बहुत बुरा लगता है मेरे भाई, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है मेरे भाई। मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा जल्दी, मेरा यकीन करो। मैं तुम पर यकीन कैसे करूँ कि तुम पैसे वापस करोगे? हा? मुझे एक शानदार मौका मिला है, अगर वो काम हो गया ना मेरा, फिर तुम देखना हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, देखना। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। कितने चाहिए अब बोलोगे भी? ज्यादा नहीं, बस 750 ही चाहिए। अगर तुम्हारे पास इतने नहीं है तो कोई बात नहीं, 500 से काम चला लूंगा, अगर वो भी नहीं है तो 300 दे दो। हाँ? मिस्टर कान तुम्हारे लिए ये लाई है, देखो। आप स्कूल मत छोड़िए। पार्टी तो बड़ी शानदार है। अगर मिस तुर्कान नहीं होती तो मैं ये सब नहीं कर पाता। उन्होंने बताया पार्टी किस लिए है? उन्होंने कहा कि सरप्राइज है। 1, 2, 3 सुकरान, सुकरान। इश्क तेरा डंग दाए, बुल्ले